हेलो एवरीवन, यू वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 हेल्दी मल्टीग्रेन लंच रेसिपीज। इसमें ओट्स की रेसिपी है, बार्ले की है, जवार है, मल्टीग्रेन है और यस, हमने इसमें मूंग दाल की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। ये सारी रेसिपीज वेट लॉस के लिए आइडियल रेसिपी है और हाँ, बनाने में बहुत इजी है, लेकिन सब रेसिपीज़ के लिए आपको चाहिए होगी थोड़ी सी प्रिपरेशन, यानी पहले से अपने ग्रेन्स को आपको करना होगा कुक। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओट्स के पुलाव से, जो एक हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही डिलिशियस भी। ओट्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब से बने होते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने की वजह से काफ़ी हेल्दी होते हैं। इस रेसिपी में हमने ब्रोकन ओट्स या स्टील कट ओट्स जिसे कहते हैं वो यूज़ किया है। इसके बेनिफिट्स के बारे में पूरी जानकारी, क्या इसके वेट लॉस में स्पेशली बेनिफिट होते हैं, हम आपको दे चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। इसे बनाने के लिए हमने एक चम्मच ऑलिव ऑयल में 2 लौंग, 1 स्टार एनीस, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी यानी सिनेमन स्टिक और बे लीफ डालकर उन्हें हल्का हल्का सौते कर लिया है। अब हम इन्हें रिमूव कर देंगे और इसमें डालेंगे क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल होने लगेगा हम इसमें डाल देंगे गार्लिक, ये चॉप किया हुआ गार्लिक है, 2 से 3 हमने इसमें छोटे छोटे गार्लिक यूज़ किए हैं, और हमने 1 कटा हुआ प्याज इसमें डालकर उसे भून लिया है, और टमाटर ऐड करके ये अपना तड़का, इसे कह सकते हैं आप, तैयार कर लिया है। अब धीरे धीरे करके हम अपनी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे। पुलाव में वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी होती हैं, हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं, कैरेट्स, कैप्सिकम, बीन्स और पनीर, ये सारा एक न्यूट्रिशनल डेंस ये रेसिपी बनेगी, जिसमें हर तरह का प्रोटीन होंगे इसमें, फाइबर होंगे इसके अंदर, साथ ही इसमें विटामिन्स और मिनरल्स होंगे। तो एक पूरा एक पावर पैक्ड मील आपको लंच में मिल जाएगी, जो आपके एनर्जी देगी और साथ ही वेट लॉस जो आपका, जो आप ट्राई कर रहे हैं उसमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। हमने इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं, सॉल्ट टू टेस्ट, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर, और ये है हमारा स्टार इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट यानी ब्रोकन ओट्स। इसे हमने पहले से पका के रखा था, जो वीडियो आप देखेंगे उसमें किस तरह पकाना है इसको, 2 से 3 सीटी लगाकर पानी के साथ हमने इसे पकाया था, और क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है इसे कुक करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड किया था और अब इसे कवर कर दिया है। कवर करने की थोड़ी ही देर बाद हमारा ये पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी है और साथ ही हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज बार्ले वेजिटेबल पोहा, आप इसे पुलाव भी कह सकते हैं। बार्ले वेजिटेबल पोहा बनाने के लिए हमने 3/4 टीस्पून हमने लिया है ऑलिव ऑयल, उसमें मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, और जैसे ही ये मस्टर्ड स्टील जो सीड्स हैं क्रैकल होने लगे, हमने इसमें कुछ करी लीव्स ऐड कर दिए हैं। करी लीव्स ऐड करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच चॉप्ड गार्लिक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही हम इसमें अब ऐड कर देंगे चॉप्ड अनियंस, ये देखिए ये चॉप्ड अनियन हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और एक एक करके अब हम अपनी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें सबसे पहले जो ऐड करेंगे वो है पीस। हम उसी ऑर्डर में वेजिटेबल्स डाल रहे हैं जिसमें पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। फ्रेश जो पीस होती हैं या मटर होती हैं, गाजर, इन्हें पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमने इसे प्याज के साथ ही डाल दिया ताकि हल्का सा सौते हो जाएँ और पक जाएँ। हमने इसमें नमक, हल्दी और स्वाद के अनुसार स्पाइस मिक्स, ये पाउडर हमने घर पे बनाया है, काफ़ी जो अच्छे स्पाइसेस होते हैं उन्हें लाकर पीस कर इसकी रेसिपी हमने शेयर की हुई है, हम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब इसे ढककर थोड़ी देर पकने दें। ये देखिए वेजिटेबल्स जो हैं वो पक गई हैं। हम इसमें अब वो वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जिन्हें पकने में कम टाइम लगता है। ये हैं कैप्सिकम, हमने इसमें शिमला मिर्च डाली हैं येलो और रेड, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और पानी। हमने पहले पानी ऐड नहीं करा था, हमने इसमें 2 चम्मच जितना पानी ऐड करना है, और फिर टमेटोज ऐड करने हैं, टमाटर, 1 कटा हुआ टमाटर हमने इसमें डाला है। ये देखिए कितना कलरफुल लग रही है ये वेजिटेबल्स। अब हम अपना कुक्ड बार्ले, हम 1.5 कप यानी 1.5 कप कुक्ड बार्ले इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये पहले से पका हुआ है इसलिए इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने बताया आपको, 15 मिनट से भी शायद कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएगी। जो मॉर्निंग की भागा दौड़ी होती है उसमें टाइम बचेगा आपका, अगर आप कुक करके रखेंगे, वैसे ही लंच में है, आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करें, ढककर कुछ मिनट के लिए रखें और ये बनकर तैयार हो जाएगी। हम इसे अब
गार्निश कर सकते हैं। हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे रोस्टेड पीनट्स जो पोहे के अंदर डाली जाती हैं। क्रंची टेस्ट होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है रेसिपी में इसे डालने से। साथ ही कुछ फ्रेश कोरिएंडर हमारे पास है, यानी हरा धनिया, उसे चॉप करके हमने डाल दिया है, गार्निश कर किया है अपनी रेसिपी को। और देखिए ये बनकर तैयार हो गया है हमारा वेजिटेबल बार्ले पोहा। इसे सर्व कीजिए वॉर्म और इन्जॉय कीजिए। हमारी अगली रेसिपी है जवार का पुलाव या तहरी या ताहिरी। जवार को इंडिया का किनुआ भी कहा जाता है। किनुआ इंडिया में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन जवार जो इंडिया में ही पाई जाती है बहुत आसानी से, वो फाइबर में रिच होती है, प्रोटीन में, आयरन में, वो ग्लूटेन फ्री भी होती है और साथ ही वेट लॉस के लिए एक आइडियल ग्रेन इसे कहा जाता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आधा कप जवार को अच्छी तरह धोकर उसे ओवरनाइट सोक करना है। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे भी इसे सोक करके रख सकते हैं। सोक करने से ये सॉफ्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी जो मैं कहूँगी जवार को बनाने में एक ड्रॉबैक है, वो है कि इसे पकने में बहुत टाइम लगता है। अगले दिन या फिर 4-5 घंटे की सोकिंग के बाद हमें इसे प्रेशर कुकर में डालकर आधा कप के लिए आपको, अगर आपने आधा कप लिया है तो 1 से 1.5 गिलास पानी लेना है और हमें इसे विसल लगानी है 5 से 6 प्रेशर कुकर के अंदर, ताकि अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। एक पैन में हमने लिए हैं कुछ क्लोव्स यानी लौंग, स्टार एनीस, बे लीफ, और इसे सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। जीरा जब क्रैकल होने लग जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, ये एक छोटा कटा हुआ प्याज है। प्याज को हल्का ब्राउन होने के बाद हम इसमें एक छोटा कटा हुआ टमाटर डालेंगे और उसे भी थोड़ी देर तक पकाएंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे ही टमाटर थोड़े सॉफ्ट होने लगे हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट टू टेस्ट और अपने बाकी स्पाइसेस। हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हमने इसमें लिया है चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और साथ ही 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी। सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से अपने जो टमाटर प्याज का मिक्सचर है उसमें भून लेंगे। और फिर अब बारी आई है अपने वेजिटेबल्स की। ये है स्वीट कॉर्न 1 टेबलस्पून, हमने 2 टेबलस्पून इसमें लिए हैं मूंग दाल स्प्राउट्स, ये है गाजर 1 छोटी कटी हुई और कैप्सिकम। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमने सोया चंक्स भी लिए हैं, हमने सोया चंक्स को छोटा छोटा चॉप कर लिया है, ये 6 से 7 सोया चंक्स हैं। और अब ये है जवार जो हमने पकाई थी, इसका पानी हमें निकालना नहीं है, हमें इसे पानी के साथ ही डालना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून वॉश्ड राइस और थोड़ी सी कटी हुई फ्रेश स्पिनिच यानी पालक। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे आधा कप से 3/4 कप काफ़ी होगा। इसको जैसे ही हल्का हल्का ये पकने लगे इसे हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद मीडियम से लो हीट पर इसे कुछ मिनट तक पकाएंगे। देखिए पानी अच्छी तरह सोख हो गया है और हमारा ये जो जवार का पुलाव है वो सर्व होने के लिए अच्छी तरह तैयार है। इसे आप लंच में इंजॉय कीजिए छाछ या दही के साथ, बहुत ही हेल्दी लंच रेसिपी है ये। नेक्स्ट इज मल्टी ग्रेन पुलाव। ये एक लंच रेसिपी है और वेट लॉस के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो बहुत ही परफेक्ट है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमने इसमें यूज़ किया है ब्रोकन ओट्स, यानी जो स्टील कट ओट्स होते हैं जिन्हें कट किया जाता है, वो ओट्स हमने इसमें यूज़ किया है, क्विक ओट्स नहीं यूज़ किए हैं। हमने आपको डिफरेंस बताया था, हम वीडियो लिंक आपके शेयर कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए कौन से ओट्स हमने यूज़ किए हैं। हमने इसमें बार्ले यूज़ किया है जो वेट लॉस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है, साथ ही रागी और राइस भी हमने इसमें यूज़ किया है। तो पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने स्पाइसेस लेंगे। हमने स्टार एनीस लिया है, सिनेमन यानी दालचीनी, लौंग और बेलीव। ये सारे ही स्पाइसेस जो होते हैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं,
विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं इनके अंदर, तो खाने में अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब हमने उसी पैन में सबसे पहले जीरा को हल्का सा रोस्ट किया है और फिर उसके अंदर कटे हुए हमने लहसुन और प्याज डाल दिया है। उसे अच्छी तरह पकाने के बाद टमाटर की बारी आई, टमाटर दो हमने इसमें चॉप करके डाले हैं। अब जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर, हम इसमें एक एक करके अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो ये एक परफेक्ट डिश है, इसके अंदर आपको वेजिटेबल्स भी मिल रहे हैं, ग्रेन्स भी मिल रहे हैं, साथ ही स्पाइसेस हैं इसके अंदर। हमने इसमें पनीर ऐड किया है यानी प्रोटीन आपको इसके अंदर मिल रहा है। सब्जियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों आपको मिल रहे हैं। हमने इसमें ये स्पाइसेस ऐड किए हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च आप चाहें तो हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर हमने इसमें डाला है, साथ ही कोरिएंडर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। ये हमने जीरा पाउडर थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया है। अब सबसे पहले हमने ओट्स, जो ब्रोकन ओट्स मैंने आपको बताया था वो पका कर रखे थे, वो इसमें डाले हैं। इन्हें कैसे पकाते हैं वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया था। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो मैं आपको बता दूं कि हम इन सभी ग्रेन्स के बेनिफिट्स आपको बता चुके हैं। ये है बार्ले, हमने एक चम्मच इसमें टेबलस्पून बार्ले यूज़ किया है, और ये है दलिया। अगर आपके पास ये सारे अवेलेबल नहीं है एक साथ ग्रेन्स, तो आप दो या तीन के कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। ये हमने राइस लिए हैं, नॉर्मल वाइट राइस। ये रागी है जिसका हमने पेस्ट बनाया था, नॉर्मल रागी का आटा लेके उसे पानी में भिगोकर अच्छी तरह उसका पेस्ट बनाया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ये एक कप के जितना पानी है। इसमें मोस्टली जो ग्रेन्स हैं वो पके हुए हैं ऑलरेडी, सिर्फ राइस और रागी जो है उसे पकाना है हमें। एक अच्छा बॉयल इसके अंदर आना चाहिए, ऐसे जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा हम इसके आँच को कम करके इसे ढक देंगे ताकि रिड्यूस होकर चावल और रागी अच्छी तरह से पक जाएं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके साथ सारे ग्रेन्स अवेलेबल नहीं है तो आप ओट्स राइस या ओट्स रागी या कोई भी दो या तीन कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। ये सारे आप पे डिपेंड करता है या आपके किचन में जो जो चीज़ें अवेलेबल हों। इसे सर्व कीजिए वॉर्म, एक पावर पैक्ड लंच होगा ये, आपको जो हंगर पैंक्स लगती हैं वो नहीं लगेंगी, आपको फिल रखेगा और साथ ही इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। वेट लॉस के लिए एक परफेक्ट रेसिपी, स्प्राउट्स करी रेसिपी। जी हाँ, स्प्राउट्स को वैसे ऐसे ही नॉर्मल खाने में लोग इन्जॉय करते हैं, लेकिन वैरायटी के लिए अगर हम ये करी बनाएं तो काफ़ी हेल्दी रहेगा। और स्पेशली क्योंकि स्प्राउट्स जो होते हैं उन्हें जो ग्रेन्स होते हैं उनसे सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर हम ऐसे एज इट इज़ मूंग दाल को बनाएं तो उसे कुक करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन स्प्राउटिंग के प्रोसेस में उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो होती हैं वो बरकरार रहती हैं और उसका कुकिंग टाइम जो होता है वो भी बच जाता है, यानी ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना मसाला तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक पैन में जीरा डाला है, साथ ही प्याज डाले हैं और अदरक, क्योंकि अदरक जो होता है डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्प करता है। अगर स्प्राउट्स को डाइजेस्ट करने में आपको दिक्कत होती है तो इस रेसिपी में इसे आपको डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। और हमने इसे अदरक भी इसीलिए ऐड किया, हमने कुछ स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड किए हैं, हमने इसमें नमक और कोरिएंडर पाउडर डाला है। अब एक और पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, आप इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्थ में ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आधा चम्मच आपको यूज़ करना है। हमने उसके अंदर जीरा डाला है और थोड़ी सी हल्दी हमने इसके अंदर डालनी है और उसके साथ ये मसाले को थोड़ा सा और कुक करना है। हमने पहले इसे कुक कर चुका है तो उसका कच्चा जो टेस्ट है वो निकल चुका है, लेकिन उसे दोबारा क्योंकि हमने पानी भी ऐड किया है ज़्यादा, तो इसे हम अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। देखिए हल्दी का कलर अच्छी तरह से आ गया है पूरी हमारी ग्रेवी में। अब हमने अपने स्प्राउट्स में इसमें ऐड किए हैं, हमने थोड़ी वेजिटेबल्स भी ऐड किए हैं। आप चाहें तो खुद की जो भी घर में वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो गाजर है या फिर बीन्स हैं, वो इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढककर हमें अभी इसे कुक करना है। डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत ही सॉफ्ट पसंद है तो आप उसे थोड़ा ज़्यादा कुक कर सकते हैं, अदरवाइज 10 से 15 मिनट में धीमी आंच पर आप इसे पकाएं और फिर झटपट से अपने इस करी को एंजॉय करें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आपको उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी, वेट लॉस के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है, प्रोटीन से भरपूर है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आई होप आपको ये सारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। दे आर वेरी वेरी डिलिशियस एंड येस वेरी हेल्दी एज वेल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर। तो आज के लिए इतना, स्टे फिट स्टे हेल्दी, आई विल सी यू सून, बाय बाय।